नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। ये है कर्नाटका के मुख्यमंत्री और 17 अगस्त को कर्नाटका के गवर्नर थ्वारचंद गहलोत ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अप्रूवल को दे दिया। क्या है ये पूरा मामला, इसको हम विस्तार से समझते हैं। अगर आप इस पूरे मामला को ऊपर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कंप्लीट तरीके से एक पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे MLAs या MPs होते हैं, यही विधानसभा और लोकसभा में जाके हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो कभी कभी जो पॉलिटिकल न्यूज होता है उसको समझना बेहद जरूरी होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे जो MPs और MLAs हैं, इनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि जैसा इंटेंशन रहता है पॉलिसीज भी वैसे ही बन के आता है। इससे पहले कि हम सीतारमैया जी के बारे में बात करें, उससे पहले एक फैक्ट रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने। नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जो रिटायरमेंट का एज होता है वो 60 साल होता है, या नॉर्मली किसी भी MNCs में भी जो रिटायरमेंट का एज होता है वो 60 साल ही होता है, जहां पे ये माना जाता है कि 60 साल के बाद आपका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो घट जाता है। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो देश जितना यंग है, यानी कि वहां का जो एवरेज पॉपुलेशन है वो जितना कम रहेगा उतना ही वो देश प्रोडक्टिव भी रहेगा। तो यहां से आप एक चीज को समझिए कि जो हमारा अभी रिसेंट लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं उनका जो एवरेज एज है वो 56 ईयर्स है, जहां पे 60 साल में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस देश के जनता अब प्रोडक्टिव नहीं रहे, वहां पे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका एज 56 ईयर्स है। और साथ में अगर हम बात करें तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए थे लोकसभा का, उनका जो एवरेज एज था वो 59 ईयर्स था। तो कहने का मतलब है कि एक ही देश में मल्टीपल नियम कानून चलते हैं, जहां पे एक तरफ जो कॉमन जनता होते हैं वो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या MLAs होते हैं ये ताउम्र प्रोडक्टिव ही रहते हैं। जो समझने वाली बात है आम जनता के लिए वो ये है कि जब भी हम अगली बार वोट देने के लिए जाएं तो इन सब चीजों को हम दिमाग में रखें और अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज के साथ इतना ज्यादा एसोसिएट ना कर ले कि क्या सही है क्या गलत है वही हमें दिखना बंद हो जाए। किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वहां के जो लीडर्स होते हैं वो सबसे अधिक पावरफुल होते हैं। स्टेट में बात कर ले तो MLAs होते हैं और सेंटर में बात कर ले तो MPs होते हैं, और उसके बाद जितनी बार वो नेता चुन के आते हैं उनका पावर उतना ही मल्टीप्लाई होता रहता है। और साथ में अगर बात किया जाए तो अगर किसी को भी अपने ब्लैक मनी को छुपाना होता है तो जो एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो किया जाता है रियल एस्टेट में या जमीन वगैरह में। वैसे ही कुछ एलिगेशन लगे हैं सीतारमैया के ऊपर भी, जहां पे ये बताया गया कि ये अपने पावर का मिसयूज करके जमीन में कुछ हेर फेर किए हैं और गलत तरीके से कॉम्पनसेशन भी लिए हैं। ध्यान रखिएगा ये बात सिर्फ सीतारमैया तक एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं और जो जितना ही पावरफुल हैं उनके खिलाफ आपको उतने ही चार्जेस मिलेंगे। ये किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की कहानी नहीं है, ये एक आप रिसेंट देख सकते हैं आर्टिकल जहां पे ये बीजेपी के MP के बारे में जिक्र किया गया। तो जब हम इन सब आर्टिकल्स को पढ़े तो बहुत ही न्यूट्रल होके पढ़े, तभी जाके हमें चीज समझ में आएगा। अब जैसे ही ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आता है वैसे ही कांग्रेस कंप्लीट तरीके से इनको सपोर्ट करने के लिए उतर जाते हैं। इसके पीछे का जो एक सबसे बड़ा वजह है कि वो किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि उनके कोई भी जो मुख्यमंत्री हैं वो करप्ट हैं, क्योंकि जो इमीडिएट इलेक्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में है, तो इसीलिए भी उनको चुनाव में उतरना है जहां पे उनको अपने साफ छवि को दिखाना है। तो इसीलिए जो इंडियन एक्सप्रेस का जो खबर है उसके हिसाब से दिल्ली से ये खबर भेजा गया है कर्नाटका, जहां पे ये बताया गया है कि कोई भी ऐसे MLA जिनके संबंध सीतारमैया के साथ अच्छे नहीं है वो भी इनके खिलाफ किसी भी तरीके से स्टेटमेंट को जारी नहीं करेंगे, और पूरा का पूरा जो कर्नाटका कांग्रेस है वो ये कभी नहीं कहेगा कि इनका किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि इनको फुल ऑन सपोर्ट किया जाएगा। ये मूडा स्कैम क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, और एग्जैक्टली इसी केस में इनके खिलाफ गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर को पास किया है। ये तो है सीतारमैया जो कि मुख्यमंत्री है, और शिव कुमार ये है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, जो एज पर मीडिया रिपोर्ट है वो ये कहा जाता है कि दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं है, जहां पे इनके जो ग्रुप के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इनके खिलाफ एलिगेशन लगाते रहते हैं कि ये पार्टी तोड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं पे बात किया जाए तो जो इनके लोग हैं वो बढ़ चढ़कर ये प्रमोट करते हैं कि ये ज्यादा कैपेबल लीडर हैं सीतारमैया के सामने। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वैसे ही कर्नाटका कांग्रेस में भी है। ये सब कुछ इंटरनल पॉलिटिकल बातें हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है, तभी जाके हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करता है। और अगर किसी भी तरीके से आपके खिलाफ कोई ऐसा मामला सामने आता है तो सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको साइड रख के आपको सपोर्ट किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से जो थर्ड पार्टी है उसका एंट्री ना हो। और उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि ये OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसका नाम है कुर्बा, जिसका कि एक बहुत ही बड़ा वोटिंग परसेंटेज है कर्नाटका में। तो यहां से भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि
क्या सही है क्या गलत है ये तो बाद में डिसाइड होता है। जो सबसे पहले डिसाइड होता है वो ये है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपका पकड़ कितना है, और आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसका वोटिंग परसेंटेज कितना है। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि जब नियम कानून बनाए जाते हैं हमारे लिए, तो उससे पहले ये लोग अपने लिए नियम कानून बनाते हैं और अपने आप को एंश्योर करते हैं कि ये किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहे और बैठे रहे। और जब आप इन सब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आम जनता का प्रायोरिटी है वो सबसे नीचे होता है या तो सबसे लास्ट में होता है। अगर अभी तक किसी को ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सीतारमैया या कांग्रेस पार्टी ही या उनका नाम ही करप्शन में आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले जो कर्नाटका था वो बीजेपी के पास था और उस वक्त भी बढ़ चढ़कर एलिगेशंस लगते हुए आए थे। एलिगेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होता है या तो वो अच्छे से नहीं होता है या तो होते होते उसमें इतना वक्त लग जाता है कि जिसका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है। जहां तक बात किया जाए येदुरप्पा के बारे में, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कोविड के आसपास के टाइम पीरियड में जो एक मास्क था उसका जो खरीद कीमत था वो 45 रुपए के आसपास था, जिसको बेचा गया था 485 रुपीज में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ 40,000 करोड़ का करप्शन किया गया था। अब ये करप्शन हुआ नहीं हुआ ये तभी मालूम पड़ता जब फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होता। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को सपोर्ट करें तो इन सब आर्टिकल्स को पढ़ें, तभी जाके हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से आम जनता का पोपट बनाया जाता है। और जहां तक बात किया जाए मूडा लैंड स्कैम के बारे में, जिनको लेके इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो इस केस में इनकी वाइफ और भी जो इनके कुछ क्लोज एसोसिएट्स है उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हर स्टेट में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होते हैं जो समय दर समय अफोर्डेबल घर बनाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं, और उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। तो कहीं पे भी जब डेवलपमेंट होता है तो आपको लैंड को एक्वायर करना होता है, तो चांसेस काफी हाई है कि वो लैंड किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होगा। तो जब वो लैंड किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है तो आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन देना होता है, तभी जाके आप उसका लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। और एज पर जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि मूडा ने कुछ जमीन को एक्वायर किया था, और जो जमीन को एक्वायर किया था वो सीतारमैया के वाइफ से एक्वायर किया था, यानी कि पार्वती से एक्वायर किया था, जहां पे जो एक्वायर जमीन का जो पैसे या कॉम्पनसेशन उनको दिया गया था वो हद से अधिक दिया गया था। यानी कि एक जो कॉम्पनसेशन होता है वो एक मार्केट रेट के हिसाब से होता है, तो कुछ उससे ऊपर होता है, लेकिन जिस हिसाब से इनको कॉम्पनसेशन मिला है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है स्टेट को। और जिस जमीन को लेके मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको कॉम्पनसेशन दिया उसके बारे में जो सीतारमैया का कहना है वो ये है कि इस जमीन को उनके भाई ने उनको गिफ्ट किया था। अब इस चीज को आप एक बहुत ही अपने पर्सनल लेवल पे लेके समझिए कि आपने अपनी पर्सनल जिंदगी में कितनी बार सुना है कि किसी ने आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को जमीन गिफ्ट में दिया है। तो ये सारे जो फैक्ट्स अब तक अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, उसको पढ़ के कुछ ऐसा ही लगता है कि जो स्कैम है वो तो हुआ है। अब ये नहीं मालूम कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा या किस तरीके से होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनके ऊपर भी काफी प्रेशर होता है। और जहां तक बात किया जाए कि जो अपोजिशन पार्टीज है वो बढ़ चढ़कर इस मामले में कूद गए हैं और वो कुछ इस तरीके से दिखा रहे जैसे कि जो करप्शन है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही एसोसिएटेड है और वो लोग एकदम बेदाग। तो अगेन ये सब कंप्लीट एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है वो डिसाइड करता है कि देश का फ्यूचर क्या होगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।